कर्फ्यू लागू हुआ है, मुझे साइड आदेश दिया गया है घर से ना निकले। आई रिपीट, कर्फ्यू लागू हुआ है, मुझे साइड आदेश दिया गया है घर से ना निकले। आराम से, तीन घंटा पहले तुमको पेन शुरू हुआ और तुम मेरे को अब बता रहा था हा? मैं सोचा कि जब तक कर्फ्यू खत्म होगा मैं कंट्रोल कर लेगा। ये डिलीवरी का पेन है तो है, दुनिया में कोई औरत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे को क्या पता ये बैठ के उतार ले। ध्यान से रुक, एक कर्फ्यू ऊपर से बारिश, आज कोई भी हमारा हेल्प नहीं करने वाला है। चौक से कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगा हमें, इसको बता दूँ तब ना। टीडीएम चौक आता ही पता है, बस थैंक गॉड बारिश बंद हो गया। क्रैश हुआ है, चारों तरफ आग फैला हुआ है, तुमने चुंग नहीं जान को जाने दिया, और तू क्या छिपा रहा पीछे? उठ लो, तो ये लाया उधर से? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। होय होय, अकेले चुपचाप जाकर सो जा, घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी नहीं। चल सो जा। तू मारा कैसा? मैं सो के तुझे लड़का लोग खेलने निकल। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो चलो यहाँ से। उससे लग जाएगा, दिल्ली में उससे मार खाया और फिर उसको मेरे बोले ना अपने बॉयफ्रेंड से मेरे सामने आया तो मैं इसका मुंह तोड़ देगा। चलो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो तुम भी घर जाओ। तेरा क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। उम्र में घर में सबसे बड़ा तू है, पर लगता है कि तेरे से पहले ये तेरा भाई बहन बड़ा हो जाएगा। अप्पा वो तरीसा को मार रहा था, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा? हमेशा गुस्सा ही आता है। तेरे को एथलेटिक्स में डाला ये सोच करके तेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मेरे को एथलेटिक्स नहीं पसंद। दो साल से उधार मांग मांग के इसका खर्चा उठा रहा है, ये बोल रहा है कि इसको एथलेटिक्स पसंद नहीं है। अप्पा इसको बॉक्सर बनना है। तुम इन ले, तेरा नाक मुंह टूट जाएगा तो तेरे से शादी कौन करेगा? और तेरा वो ग्लव, उसे फेंकने की जगह जला देना चाहिए था मेरे को। जब से घर में आया है तब से तू लड़की से लड़का बनता जा रहा है। मेरे को कुछ भी बोलो, लड़का मत बोलो। यारे चुंग नहीं जांग,
बहुत हो गया तेरा ये लड़ाई झगड़ा। बस बस खाइए। जब तक तेरा शकल ठीक नहीं हो जाता घर से बाहर निकलना भी मत। क्या हुआ? इसका कुछ नहीं हो सकता। लाओ इधर हाथ लाओ। वो मंगी मेरे को मिल गया ना तो उसका दांत तोड़ देगा मैं। 7 दिन घर पे रहना पड़ा उसका बच्चा। चल छोड़ ना, क्यों दिमाग गरम कर रहा है? और वो तरीसा पागल हो गया क्या? वो लड़का उसको मारते रहता है और वो उसी के साथ रहती है। ए चुंगे जांग, चल चल ना दूसरे रास्ते से चलते हैं। क्यों, उधर से लंबा पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, चल ना यहाँ से चलते हैं। चल ना ए चुंगे जांग, चल रहने देना। चुंगे जांग क्या कर रहा है? पकड़ी पकड़ मेरा बैग। मंगी चल रहने देना। मंगी रुक, छोड़ ना, रहने देना। क्या कर रहा है? छोड़ ना चुंगे जांग, चल। क्या ये लड़की पागल हो गया क्या? अब तो इसका क्या करेगा? ए चुंगे जांग जाने देना। मंगी रुक। क्या है? मेरे पे दया करेगा? हां क्या है? क्या तू मेरे पे दया करेगा? क्या पिछली बार की मार से तेरा पेट नहीं भरेगा? दोबारा खाना है? हां क्या हुआ? ये देखो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के मोहम्मद अली मारेगा मेरे को। मारना मार ना मार। अरे चल ए ए ए चल। इस बार मेरे को नहीं बचना साला। ग्लव पहन के लड़ाई झगड़ा करता है? इसी को पहन के तो झगड़ा करते हैं। ग्लव का बदनामी मत करो। बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के स्पोर्ट्स होता है, झगड़ा नहीं। तेरा बनंग तुम कोच सिंह है? रिंकू सिंह का कोच, एशियन चैंपियन। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर सर, लेकिन तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। hey, तुमने क्यों रोका? प्रैक्टिस चालू रखो। चलो तुम मुझे 5 रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। I love boxing. पांचवा भी बताना पड़ेगा। ये ग्लव को कमाना पड़ता है। 1 महीना कल से 7 बजे आ जाना। जल्दी लाओ। ओए ये इसे दो। इमाम वो मैं बॉक्सिंग ज्वाइन किया है। अच्छा क्या बोला तूने? बॉक्सिंग? हो इमाम तो तूने एथलेटिक छोड़ दिया और उसके ऊपर जो खर्चा हुआ। लड़की लोग का कोचिंग फ्री है। तेरा आपा तेरा लड़ाई झगड़ा को लेके वैसे भी खुश नहीं है। तेरे को लगता है वो मान जाएगा? मैं आपा को बोलने जा रहा हूँ। अरे कहा जा रहे हो? मेरे को कुछ नहीं मालूम भीमा। चौबी को कौन नहीं लाएगा? अप्पा मेरे को तुमको कुछ बोलना है। हाँ कई दौर है। क्या हुआ बोल। वो चौबी कितना बड़ा हो गया ना। चौबी बड़ा हो गया तो क्या उसके लिए लड़का ढूंढूं?